अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करेंगे टीम बिल्डिंग के ऊपर। तकरीबन हर बिज़नेस को शुरू करने के लिए एक टीम बहुत अहम होती है। कुछ होते हैं बिज़नेसेस जो अकेले भी बनाए जा सकते हैं, अकेले बिल्ड किए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये इंकरेज की जाती है बात, ज़्यादातर इस बात को हौसला अफजाई दी जाती है कि आप टीम बनाएं। अब बिज़नेस को चलाने के, बिज़नेस को शुरू करने के लिए कैसी टीम की ज़रूरत होती है? बेसिक जो इसको नाम दिया गया है उसमें पांच टुकड़े किए गए कि एक टीम में पांच तरह के लोग होने चाहिए। एक होता है हसलर, जो बाहर अपने कंफर्ट जोन से बाहर या अपने जो आपका गोल है उसको उसकी तरफ काम करने के लिए जद्दोजहद करने के लिए तैयार है, उसकी तरफ दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार है। एक होता है जो बैक एंड पे चीज़ें संभालता है। बैक एंड पे चीज़ें संभालने से यह मुराद है कि जैसे अगर आपका वर्चुअल बिज़नेस है तो सर्वर्स को संभालने का काम उसका हो, अगर आपका दुकान का बिज़नेस है तो सप्लाईज़ का चेक करना, सप्लाईज़ को मेक श्योर करने की आ रही हैं जा रही हैं उसका काम हो, तो ये हो गया बैक एंड। एक और किरदार होगा उस एक और बंदा होगा, उसका किरदार होगा सारा सोशल वर्क करना, सेल्समैनशिप उसका काम होगा, कस्टमर को पकड़ के लाना उसका काम होगा, और बेसिकली आपकी जो मार्केट में आपकी जो स्ट्रेंथ होगी वो उससे बिल्ड की जाएगी मोस्टली ज़्यादातर, और इसी तरह वो आपका सोशल मीडिया भी संभालेगा। एक और किरदार होता है जो मेन हो गया, जो एक बंदा जो इन तीनों को या फिर इससे ज़्यादा अगर आपने टीम मेंबर्स रखे हुए हैं उनको मैनेज करना। टीम बिल्डिंग क्यों ज़रूरी होती है? अगर एक ही बंदा आपकी सोशल मीडिया संभाले, वही बंदा आपके सप्लाई संभाले, वही बंदा आपके कस्टमर्स को संभाले, तो बर्डन हो सकता है, बंदे के ऊपर बर्डन ज़्यादा बन सकता है और चांसेस बढ़ जाते हैं इस बात के कि वो बिज़नेस कोलैप्स कर जाए। ज़रूरी नहीं है, वो बंदा एक बहुत अच्छा मल्टीटास्कर हो सकता है जिसकी नस्बत वो बिज़नेस बहुत अच्छा चल सकता है उसके अकेले होने पे भी। तो ये थी टीम बिल्डिंग।